पाकिस्तान में पिछले एक महीने से चल रहा सियासी खेल आखिरकार देर रात खत्म हो गया। इमरान खान की सरकार नेशनल असेंबली में हुई वोटिंग में हार गई। विपक्ष 174 वोट पाने में कामयाब रहा। 10 अप्रैल रात करीब 1:20 पर ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की सत्ता से इमरान खान की विदाई का ऐलान हुआ, लेकिन इस विदाई के साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं कि अब इमरान खान क्या करेंगे, इमरान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अभी सिर्फ उनकी कुर्सी ही नहीं गई है, इमरान खान खुद चौतरफा घिर गए हैं। हालात तो ये हैं कि उनके देश छोड़ने पर रोक है, एयरपोर्ट पर अलर्ट है, इमरान के घर की निगरानी हो रही है और पीएम हाउस खाली कर दिया गया है। इमरान खान को नेशनल असेंबली में वोटिंग से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें देश छोड़ने से मना कर दिया गया। जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी उसी वक्त से ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सत्ता से बेदखल होने के बाद उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के पीएम की कुर्सी गंवाने के बाद पाक के हर शहर में जश्न मनाया जा रहा है, तो वही विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने इसे पाक के लिए एक नई सुबह बताया। पाकिस्तान में इमरान की सत्ता का सूर्य अस्त हो चुका है, वहीं अब नए प्रधानमंत्री के लिए आज फिर से संसद बुलाई गई है। इस दौरान वोटिंग की जाएगी। विपक्षी नेता शहबाज शरीफ के नेतृत्व में एक नई सरकार बनाई जा सकती है। पाकिस्तान की सत्ता से बाहर होते ही इमरान खान की पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के नेता अरसलन खालिद के घर छापा मारा गया, उनके सभी फोन जब्त कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इमरान के अलावा फवाद चौधरी और शाह महमूद के खिलाफ भी याचिका दायर की गई। की बागडोर बीजेपी सांसद नरेंद्र मोदी के हाथों में है। पार्टी के अंदर अहम फैसलों को लागू करने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक जरूर होती है। बीजेपी में हर बदलाव का फैसला संसदीय दल की बैठक में ही लिया जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड कितना ताकतवर होगा। लेकिन बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में अभी 4 वैकेंसी हैं। बीजेपी का संसदीय बोर्ड वो बोर्ड है जो अपने सांसद और राज्यों के विधायकों के लिए सभी नीति बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। हैरानी की बात यह है कि कुल 11 सदस्य पैनल में 4 पद खाली हैं। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की मृत्यु, उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू की पदोन्नति और राज्यसभा के नेता के रूप में थावरचंद गहलोत की सेवानिवृत्ति की वजह से ये जगह खाली हुई है, जिसे भरने के लिए अब तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है। बचे हुए 7 सदस्यों में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हैं। कोविड के बाद बोर्ड की फिजिकल बैठकें शायद ही कभी हुई हो। इसके बजाय सामान्य तौर पर केवल 3 बड़े नेता पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच ही फैसलों पर चर्चा होती है। फैसलों की जानकारी अन्य सदस्यों को फोन पर दी जाती है। हालांकि ज्यादातर सदस्यों को बैठकों में बोलने का कम ही मौका मिलता है, फिर भी बोर्ड का हिस्सा होना काफी मायने रखता है, लेकिन ये ताकत फिलहाल पीएम मोदी और अमित शाह ने अपने तक सीमित रखी है। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों को लंबे समय से उम्मीद थी कि वो जल्द ही बीजेपी संसदीय बोर्ड का हिस्सा होंगे, लेकिन यूपी के सीएम अपनी शानदार जीत के बावजूद अभी भी इंतजार कर रहे हैं। 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड में खाली रिक्तियों को भरा जा सकता है और कई नेता बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल होने की रेस में हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। वहीं थावरचंद गहलोत के रिटायर होने के बाद किसी एक दलित नेता को बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल कर सकती है। फिलहाल तो ये सिर्फ कयास है। यूपी में पुलिस हो या प्रशासन, आजकल जहां देखो बुलडोजर लिए घूम रहा है। किसी आरोपी को गिरफ्तार करना हो तो पुलिस वारंट की जगह बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंच जाती है। योगी सरकार के खिलाफ कुछ बोलो तो प्रशासन के अधिकारी बोलने वालों पर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिया, जिसका वो अब तक खामियाजा भुगत रहे हैं। पहले उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चल गया, अब उनकी दुकान, फार्म हाउस, बारात घर को गिराने की तैयारी हो रही है। विरोधी दलों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रही कार्रवाई पर विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि कार्रवाई सिर्फ विरोधियों पर हो रही है। नेता अगर बीजेपी का है तो फिर प्रशासन आंखें बंद कर लेता है, और फिर भी धोखे से प्रशासनिक अमला कार्रवाई के लिए पहुंच गया तो माफी मांगकर वापस लौट आता है। ऐसी ही एक घटना लखनऊ की है, जहां जानकीपुरम विस्तार में नहर रोड पर बिना नक्शे के एक इमारत बनी थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA की टीम इसे तोड़ने पहुंची, पता चला कि इमारत बीजेपी के कार्यकर्ता की है।
जिसके बाद एनडीए की टीम बिना कार्रवाई के ही वापस लौट गई। अखिलेश ने सवाल उठाए, जनता पूछ रही है कि प्रदेश भर में बीजेपी से संबंध लोगों के अनगिनत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, अवैध निर्माणकर्ता भाजपाइयों को कौन बचा रहा है और किस लिए बचा रहा है, वैध अवैध का नियम दल देखकर लगाया जाएगा, जबकि सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के वैध और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई चल रही है। अखिलेश के सवाल का ना तो सरकार की ओर से जवाब आया और न ही भाजपा नेताओं ने इसका जवाब दिया कि आखिर एलडीए का बुलडोजर किसके दबाव में कार्रवाई किए बिना ही वापस लौटा।